राधे राधे। भारत माता की, भारत माता की। मैं ब्रज क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं आज आपके पास विशेष रूप से आया हूं। मैं पहले भी आता हूं, आता रहा हूं, जहां जहां पहुंच सकता हूं पहुंचता हूं। लेकिन पहले जब मैं आता था तो कुछ देने के लिए आता था, कुछ लेकर के आता था, कोई योजना लेकर के आता था, किसी के उद्घाटन के लिए आता था। लेकिन आज मैं आपसे देने के लिए नहीं, मांगने के लिए आया हूं। मैं आपसे विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे बताइए, अगर भारत विकसित होता है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? भारत विकसित होता है तो आपके परिवार का भला होगा कि नहीं होगा? भारत विकसित होगा तो आपके बच्चों का भला होगा कि नहीं होगा? और इसलिए भी देश एकजुट होकर कह रहा है, फिर एक बार साथियों, भारत की बढ़ती हुई शक्ति कुछ ताकतों को पसंद नहीं आती है। अब जैसे यहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ये देश की सेना के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए दुनिया में निर्यात के लिए घातक अस्त्र और शस्त्र बनेंगे। लेकिन दुनिया भर में जो हथियारों के दलाल हैं, जो पुरानी सरकारों में घूस देकर के अपना काम करा लेने के एक्सपर्ट हो गए थे, और पुरानी सरकारों में बैठे हुए लोगों को भी ये मलाई खाने को मिलती थी, उनको भी मजा आता था, ऐसे सारे लोग अब मोदी जब शस्त्रों को यहां बनाने की बात करता है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है, तो बौखला गए हैं, बहुत नाराज हैं। वो नहीं चाहते कि भारत की सेना आत्मनिर्भर बने, इसलिए वो मोदी के विरोध एकजुट हो गए हैं। इन ताकतों को रोकने के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर एक बार बीजेपी एनडीए सरकार लाना बहुत आवश्यक है।
भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी सबका साथ सबका विकास की है, लेकिन सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए उनका वोट बैंक खास है। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर भाजपा का संकल्प पत्र, हम जोर दे रहे हैं सैचुरेशन पर, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिले, पूरा लाभ मिले, बिना बिचौलियों को मिले, बिना रिश्वत को मिले, और जो हकदार है उस हकदार को अवश्य मिले, ये भाजपा का सैचुरेशन मॉडल है। क्योंकि जहां सैचुरेशन होता है वहां सभी हकदार को उसका हक मिलता है। हमारा सेक्युलरिज्म भी वही है कि बिना भेदभाव के लिए जो भी योजना जिसके लिए बने, बिना धर्म जाति भेदभाव सबको मिलना चाहिए। सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है, जब आप बिना भेदभाव, बिना अपने पराए, बिना रिश्वतखोरी सबका हक पूरा करते हैं, तो इससे बड़ा सामाजिक न्याय क्या हो सकता है। और आपने देखा होगा, फ्री राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, टॉयलेट बनाना हो, नल से जल देना हो, ये सारे लाभ हर लाभार्थी को मिले, बिना भेदभाव को मिले, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? करोगे? सब लोग अगर हाथ ऊपर कर बताओगे तो मैं बताऊंगा। करोगे? पक्का करोगे? देखिए, मैं दिन रात मेहनत तो करता हूं, और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं, उनकी पूरी सरकार मेहनत करती है। फिर भी जब आप गांव में जाएंगे, इलाके में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, हो सकता है दो चार लोग ऐसे मिल जाए जिनको अब तक ये योजना नहीं पहुंची है। तो मेरा एक काम करेंगे, जिनकी योजना नहीं पहुंची है उनकी सूची बनाना और उनको कहना कि मोदी जी ने आगरा में आए थे, गारंटी दी है कि जिनका बाकी रह गया है तीसरे टर्म में उसका भी पूरा हो जाएगा, ये बता देंगे। और आप देखिए, मेरे लिए तो आप सभी मोदी ही है, और इसलिए मेरी गारंटी आपके माध्यम से जरूर पहुंचेगी।
साथियों, जब एक के बाद एक गरीब के सशक्तिकरण के हम काम कर रहे हैं, गरीब को गरीबी को परास्त करने के लिए मजबूत कर रहे हैं, ये एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल की आज दुनिया के लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो रास्ता अपनाया है, हमने जो मॉडल अपनाया है, उससे आज देश में 25 करोड़ देशवासी जो गरीबी की जिंदगी जीते थे, वो गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, मोदी हमारे देश में हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है, और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं है, हमारा रास्ता संतुष्टीकरण का है। सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र भी उसी तुष्टीकरण का महामार्ग है। लेकिन सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन घोर तुष्टीकरण में जुटा है। 24 के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस पर शत प्रतिशत, और ये मैंने पहले ही दिन कहा था, आज नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर शत प्रतिशत मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। साथियों, आजादी के बाद से ही ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये संविधान सभा में चर्चा करने के बाद तय हुआ है। संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा थी, यही संविधान की मूल भावना है, यही सामाजिक न्याय है कि भारत में धर्म के आधार पर भारत का संविधान आरक्षण की सहमति नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है, और सामाजिक न्याय की तो धज्जियां उड़ा देती है, लीरे लीरे उड़ा देती है। इसी कांग्रेस ने कभी कर्नाटका में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी अपने घोषणा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की। देश का संविधान, देश की अदालतें कांग्रेस को ऐसा करने से बार बार मना कर चुकी है। उनकी हर बात को
देश के न्यायपालिका ने ठुकरा दिया है और इसलिए अब कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से खेल खेलना शुरू किया है। एससी एसटी ओबीसी के आंख में धूल झोंक करके पाप करने के रास्ते बनाने का काम किया है। अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लागू कर रहेगी और इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है, जो ओबीसी का कोटा है 27% का, जो ओबीसी का कोटा है, क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूं इसलिए मुझे उसकी पूरी बराबर जानकारी है, ये जो 27% आरक्षण का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए, 27% में से चोरी कर लिया जाए, छीन लिया जाए, चुपचाप छीन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। क्या आपको ये मंजूर है? ये आप सहन कर सकते हैं? ये आप स्वीकार कर सकते हैं? देखिए कर्नाटका ने क्या किया। कर्नाटका ने, वहां की इस कांग्रेस की सरकार ने रातों रात कर्नाटका में जितनी भी मुस्लिम जातियां हैं, छोटी मोटी धनी पढ़ी लिखी सब, सभी जातियों को रातों रात एक कागज पे थप्पा मारकर उनको ओबीसी बना दिया रातों रात, और उनको कह दिया कि जो 27% है ना, अब आप उसके मालिक हो, जाओ लूट लो। ओबीसी के हक पर डाका डाला है। ये डाका है कि नहीं है? ये डाका है कि नहीं है? जरा पूरी ताकत से बताइए भाई, ये डाका है कि नहीं है? जरा इधर से माताएं बहने बताइए, डाका है कि नहीं है? कांग्रेस का इरादा यूपी में भी यही खेल खेलने का है, यही कारनामा दोहराना है। देश में जहां जहां मौका मिले ये पिछले दरवाजे से चोरी छिपी से ओबीसी का हक लूट लेना, एससी का हक लूट लेना, एसटी का लूट लेना और उनको दे देना, और इसमें उसे समाजवादी पार्टी का पूरा साथ मिल रहा है। आप याद कीजिए 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने तब भी ऐसी ही कोशिश की थी, इन्होंने ओबीसी के आरक्षण का एक हिस्सा धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को देने का फैसला किया था, लेकिन तब ये अपने इरादों में सफल नहीं हुए। यूपी के लोगों को और विशेषकर ओबीसी समुदाय को कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, ये मेरे ओबीसी भाइयों बहनों को समझना पड़ेगा। दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को ये सपा कांग्रेस का खेल समझना पड़ेगा। यहां यूपी में हमारे कुर्मी, मौर्या, कुशवाहा, यादव, जाट, गुजर, राजभर, तेली, पाल, ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं, उनका हक है, भारत के संविधान के अनुसार हक है, तो इनसे छीनकर
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादवों पिछड़ों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। तुष्टिकरण में डूबी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की एक ही प्रकार की सोच है। और यहां उत्तर प्रदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टिकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर भाषण में तो ओबीसी ओबीसी करते हैं और पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप, जरा मैं आप सबसे सुनना चाहता हूं, क्या आप कांग्रेस सपा को ये पाप करने देंगे, ये बेईमानी करने देंगे, ये आपके अधिकार को लूटने देंगे? भाइयों और बहनों, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले यहां इंडी गठबंधन वालों का नारा क्या होता था आप भूल गए होंगे, क्योंकि योगी जी के राज में ऐसा होता नहीं है, इसलिए आप भूल गए हो। मैं जरा याद कराना चाहता हूं, उस समय नारा क्या था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। था कि नहीं था ऐसा नारा? ऐसा नारा लगता था कि नहीं लगता था? और लखनऊ में जो बैठी थी ना सरकार, वोट बैंक वाली सरकार, उनका आशीर्वाद रहता था। ये योगी जी की सरकार आई तो ऐसे लोगों को सही जगह पर पहुंचाया। लेकिन साथियों, अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का नया प्लान सामने आया है। और ये नया प्लान क्या है, ये याद रखेंगे आप लोग, घर घर पहुंचाएंगे नया प्लान। जरा इधर से आवाज आए, पहुंचाएंगे, पीछे से आवाज आए, पहुंचाएंगे, जो दूर दूर है वो भी जरा बताए, पहुंचाएंगे। इनका जो नया प्लान है, याद रखना, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब बोलेंगे आप लोग, कांग्रेस की लूट जिंदगी के और कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के। कांग्रेस के लोग कहते हैं, बार बार कह रहे हैं और बड़े खुशमिजाज होकर के कह रहे हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो कहते हैं, अब आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी, एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी।
और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी, ये उन्होंने घोषणा की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, खुद शाहजादे कह रहे हैं। क्या आप हमारी माताएं बहनें जरा मुझे बताइए, आपके पास जो स्त्री धन है, आपके पास जो मंगल सूत्र है, क्या ये आप किसी को लेने देंगे, किसी सरकार को लेने देंगे, देश की कोई माता बहना लेने देगी? अरे सर कटवा देगी, लेकिन वो कभी नहीं देगी, ये इनको मालूम नहीं है। साथियों, आपसे आपकी संपत्ति छीनने की कांग्रेस और इंडी गठबंधन की योजना सिर्फ इतने पर नहीं रुकती है। अब कांग्रेस सपा वाले इंडी गठबंधन का कहना है कि वो आपकी विरासत पर भी लूट करेंगे। आपकी विरासत का मतलब है दादा दादी ने जो मेहनत करके बचा के बेटे को दिया है, आपके पिता ने मेहनत करके कुछ बचा करके आपके लिए रखा है, जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो फिर ये इंडी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन ने घोषणा की है कि वो आपके परिवार के लोगों को मिलने से पहले 55%, आधे से ज्यादा सरकार उस पर कब्जा कर लेगी, बाकी बचा वो आपके नसीब में आएगा। बताइए, आपके माता पिता की मेहनत को आप लूटने देंगे क्या? यानी आज जो संपत्ति आप आने वाली पीढ़ियों के लिए जोड़ रहे हैं, आपके बाद उस पर भी ये लोग आधे से ज्यादा टैक्स लगा करके लूटना चाहते हैं। अब मैं समझाता हूं, मान लीजिए आपने अपने बच्चों के लिए 4 कमरे का घर बनाया है, तो आपके बाद सिर्फ 2 कमरे आपके संतान को मिलेंगे, 2 कमरे कांग्रेस सपा की जो सरकार बनेगी वो सरकार उसको हड़प कर लेगी। मान लीजिए आपके पास 10 बीघा खेत है, तो 5 बीघा ही आपके बच्चों को मिलेगा, बाकी कांग्रेस सपा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी। आप अपनी संपत्ति क्या कांग्रेस सपा के भ्रष्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे? जरा पूरी ताकत से बनाइए, मुद्दा बड़ा गंभीर बनता जा रहा है। जाने देंगे? आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साथियों, एससी एसटी ओबीसी के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगल सूत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गठबंधन वालों, ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और कान खोलकर सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा।
हमारा संकल्प है जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी, जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। ये माताओं बहनों की बचत पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन मोदी माताओं बहनों को संपत्ति का हकदार बनाने में मैं आपका चौकीदार बन के खड़ा हूं। बीते 10 वर्षों में मोदी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, इनमें से 3 करोड़ से अधिक पक्के घर माताओं बहनों के नाम मिले हैं। ये मेरी माताओं बहनों की ताकत है। मोदी ने बहनों के जनधन बैंक खाते खुलवाए ताकि सरकारी लाभ का सीधा पैसा घर की माता बहन के खाते में जाए, और अब मोदी की गारंटी है कि 3 करोड़ बहनों को, आंकड़ा याद रखिए, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। आज देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, आशावान है, सामर्थ्यवान है, कर्तृत्ववान है, और मुझे मेरे देश के युवाओं पर नाज है। मैं दुनिया में जाता हूं ना तो मुझे लोग पूछते हैं, मोदी जी इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े सपने। मैंने कहा ये सपनों की ताकत मुझे मेरे देश के नौजवानों से मिलती है, उनके सामर्थ्य से मिलती है। आज देश में नए नए अवसर बन रहे हैं, नए नए सेक्टर खुल रहे हैं, युवाओं की हर आकांक्षा का ध्यान हमारी सरकार रख रही है। युवाओं की सहायता के लिए मुद्रा लोन है, स्किल इंडिया मिशन है, स्टैंड अप इंडिया मिशन है। हमारी नौकरियों में गैर जरूरी इंटरव्यू खत्म कर दिए, हमने स्थानीय भाषाओं में परीक्षाओं का प्रावधान किया, हमने सरकारी व्यवस्थाओं को फेसलेस बना दिया। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने आजादी के बाद से ही भाई भतीजावाद को बढ़ाया, युवाओं की क्षमता को बर्बाद किया। अभी इसका ताजा प्रमाण मिला है, आप जरा सुनिए और लोगों को बताइए, शायद आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। ताजा प्रमाण मिला है, हमारे पड़ोस में राजस्थान में, वहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के अपने लोगों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया है, और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी, और कोई और नहीं कह रहा है।
जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जन थे वो कह रहे हैं। आप बताइए मेरे नौजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता। यानी राजस्थान में अब कांग्रेस का ही पेपर लीक हो गया है, यही कांग्रेस की सच्चाई है। इसलिए देश के युवाओं को, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार की पहचान ही अच्छी सड़कें, आधुनिक रेल लाइन, मेट्रो सुविधाएं, कोविड में वैक्सीन की व्यवस्था, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड। हम आगरा, फतेहपुर सीकरी सहित इस पूरे क्षेत्र को पूरी दुनिया के निवेशकों और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने में जुटे हैं। आप याद रखिएगा, ये जो अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं ना, लाखों लोग आ रहे हैं। काशी में जो कॉरिडोर बनाए, लाखों लोग आ रहे हैं। आप मान के चलिए, वो निकलते हैं अयोध्या आने के लिए, वे निकलते हैं काशी के लिए आने के लिए, लेकिन वो जरूर आगरा आकर के जाते हैं। और इसलिए यहां का टूरिज्म तो बढ़ने ही बढ़ने वाला है। आपको तो एक हाथ में दो दो लड्डू है। आप याद रखिएगा, आपका वोट एसपी सिंह बघेल जी और राजकुमार चाहर जी को तो मिलेगा ही, लेकिन जब आप वोट उनको देंगे ना, तो उनको तो मिलेगा ही, लेकिन ये वोट मोदी को भी मिलेगा। तो आप मोदी को वोट देंगे, पक्का देंगे। और इसलिए 7 मई को कुछ समय अपने इस सेवक के लिए जरूर निकालना। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही शादियां क्यों न हो, कितने ही निजी काम क्यों न हो, लेकिन जब मैं इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, तो मतदान के दिन मेरा आपसे कुछ समय मांगने का हक बनता है कि नहीं बनता है? मैं इतना तो मांग सकता हूं कि नहीं मांग सकता हूं? मैं देशवासियों से इतना तो मांग सकता हूं ना कि आप देश के लिए 1-2 घंटे निकालिए, गर्मी हो तो भी निकलिए, मतदान कीजिए, मतदान कराएंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के कहना, मोदी जी आए थे, आप सबको राधे राधे कहा है, पहुंचा देंगे राम राम, मेरा राम राम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।